गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट नंबर 7। बेटा उस दिन लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था, उस दिन आपको शायद समझ नहीं आया हुआ। मैं दोबारा से एक बार और इसको समझाता हूँ। ये जो भी नंबर है, ये जो मैंने नंबर यहाँ पर लिखे हुए, हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, k × 10⁻¹। मतलब जो ये जीरोज हैं, ये जीरोज हमने हटानी है या फिर हमने डेसिमल हटाना है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस करें। और दूसरी बात, जो k की वैल्यू है 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट समथिंग हो सकती है, लेकिन डबल डिजिट में नहीं जाना चाहिए हमारा k डबल डिजिट में नहीं जाना चाहिए, सिंगल डिजिट में रहना चाहिए। सीधी सी बात ही होगी, अगर k की वैल्यू 1 to 10 है तो 1 to 10 कितने डिजिट हुए? 10 से छोटे 9। तो अब वो हमारे 1 point something या 2 point some, ये हो सकते हैं 3 point something, 4 point something, है ना, लेकिन 2 digit में हमारा नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें शिफ्ट करना है। अब जैसे कोई भी नंबर होता है बेटा, उस जैसे सिंपल नंबर, यहां डेसिमल या लास्ट में मांग के चलते हैं, डेसिमल कहां है, लास्ट में, तो अब हमें इस डेसिमल को कहां शिफ्ट करना है, यहां पर लाना है, 1 point something लाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस शिफ्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा मैडम, 1.384000 ये हो गया। अब देखो 1.3 हो गया, क्या हो गया बेटा 1.3। अब ये क्या हो गया, k की वैल्यू हमारी 1 to 10 के बीच में आ गई, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने कितने प्लेस शिफ्ट करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस, जो जितने प्लेस शिफ्ट करे वो 10 की पावर बन जाएगी, 10⁶। और अगर ये जीरो आप हटाना चाहते हो तो इसको हटा सकते हो, इस पर 1.384 × 10⁶, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां पर डेसिमल यहां पर है, तो ये तो 12 हो गया, 12 तो हमें k की वैल्यू नहीं रखनी, हमें तो 1 to 10 के बीच में रखनी, तो डेसिमल को हमें एक प्लेस और शिफ्ट करना पड़ेगा, एक प्लेस, तो क्या हो जाएगा 1.23205 × अगर आपने 1 प्लेस शिफ्ट करा तो 10⁻¹। जितने प्लेस आप शिफ्ट करोगे 3 10⁻¹ हो जाएगी, जैसे हमने 6 प्लेस शिफ्ट किया तो 10⁶, अगर हमने 1 प्लेस शिफ्ट किया तो 10⁻¹, ऐसे करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर डेसिमल यहां पर है और हमें इसको कितने प्लेस शिफ्ट करना, 1, 2, 3, तभी 2.1 बनेगा, 1, 2, 3, तो 2.157957 × 10³। जितने प्लेस आपने शिफ्ट उतना आपको 10⁻¹ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब डेसिमल यहां है बेटा, अब डेसिमल को हमको यहां ले जाना पड़ेगा तभी 2 point something बनेगा। अब देखो हम उल्टा चल रहे हैं, पहले हमने डेसिमल को लेफ्ट को शिफ्ट किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस लेफ्ट को मूव किया, लेफ्ट यहां भी लेफ्ट को मूव करा, यहां भी लेफ्ट को मूव किया, अब हमें राइट को मूव करना है, डेसिमल को क्या करना है, राइट डायरेक्शन में मूव करना है, कितने प्लेस देखो, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस, तो ये बनेगा 2 point आप जीरो लगा दो, ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.0। अब यहां जब राइट को शिफ्ट करोगे तो उसकी पावर बेटा नेगेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे, नेगेटिव, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस शिफ्ट करा तो 10⁻⁵ कर दोगे, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना, जब हम लेफ्ट को मूव करेंगे तो 10⁻⁵ पॉजिटिव आएगी, अगर हम राइट को मूव करेंगे तो उतने प्लेस 10⁻⁵ नेगेटिव आएगी। अब जैसे यहां पर देखो, यहां डेसिमल यहां पर, तो हमें कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 1, 2, 3, तब हो गया 7.2 नहीं, हमें सिंगल डिजिट चाहिए ना, 1, 2, 3, तो 7.29 × 10⁻³, 10⁻³, क्योंकि हम 3 प्लेस शिफ्ट करें, 1, 2, 3, तो 10⁻³, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर डेसिमल यहां है, अब हमें इसको कहां तक ले जाना, 9 पे ले जाना, 9.26 बनाना है, तो देखो कितने प्लेस शिफ्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्लेस शिफ्ट करें तो 9.26 10⁻⁻¹। क्यों, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में हमने डेसिमल को मूव किया है। अब यहां पर देखो, यहां तो डेसिमल है नहीं कहीं, जिसमें डेसिमल हम यहां सपोज करें, जिसमें डेसिमल नहीं हो
उसमें लास्ट में सपोज करते हैं, हमें यहां क्या करना है 5.2 बनाना है। 5.2 बनाने के लिए कितने प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेस। तो 5.2 × 10⁸ एट क्यों, क्योंकि हम अब लेफ्ट को मूव करेंगे, बस लेफ्ट साइड को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 प्लेस। 5.2 × 10⁸ क्लियर। नेक्स्ट देखो डेसिमल यहां पर कितने प्लेस शिफ्ट, 8.5 बनाना हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस। 8.5 × 10⁻ क्योंकि राइट को मूव करें तो इसलिए -6, हम राइट साइड को मूव करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस, तो 10⁻⁶। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ बेटे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसका उल्टा है, पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। उसमें हमने इसको k × 10⁻ की फॉर्म में लिखा था, अब हम इसको यूजर फॉर्म में लिखना है। यूजर फॉर्म में मीन्स हमने 10⁴ ये सारी पावर हटानी है। उसमें आपने एक ट्रिक याद रखनी, जब तो पावर बेटा पॉजिटिव हो तो आपने डेसिमल को उतने प्लेस राइट को शिफ्ट करना है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो डेसिमल को लेफ्ट को शिफ्ट करना है। तो 10⁴ है तो यहां डेसिमल अभी यहां पर है, तो डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करना आपने, 4 प्लेस। 1 देखो यहां पहले यहां डेसिमल यहां पर था ना, यहां पर था डेसिमल, तो यहां से शिफ्ट करेंगे 1, और बाकी 3 प्लेस और के लिए हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, 2, 3, 4 जो है। पहले डेसिमल यहां पर था बेटा, 5 से पहले था, तो कितने प्लेस शिफ्ट करना, 10⁴ है तो 4 प्लेस शिफ्ट करना, 1, 2, 3, 4। अगर कोई नंबर नहीं है तो आप अपने आप से 0 लगा देंगे क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगी। अब देखो यहां 10⁶ है, 158.9 यहां पर पॉइंट था, यहां पर पॉइंट था नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बनता है 6 प्लेस। आपने राइट को जाना 6 प्लेस राइट को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उतनी आपने 0 लगा देनी। अब देखो यहां 10⁻12 है, ठीक है डेसिमल यहां पर है, तो 1, 2, 3 प्लेस और शिफ्ट करेंगे तो 9 साथ में 0 लग जाएंगे, तो 9, 5, 4, 5 यहां पर डेसिमल यहां पर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यहां पर 10⁵ है, अब डेसिमल को आपको लेफ्ट को शिफ्ट करना है। यहां पर था डेसिमल, आपने 5 प्लेस, यहां 10⁵ क्या -5 है तो आपने लेफ्ट को शिफ्ट करना है। यहां पर था, यहां पर था, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां डेसिमल आया, और सबसे पहले आप इन जीरो लगा दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। डेसिमल कहां शिफ्ट करोगे, पहले यहां पर था, 10⁻⁵ था तो 5 प्लेस शिफ्ट करा, 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल यहां, और शुरू में 0 लगा देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁷ है, आप देखो डेसिमल कहां था, 8 यहां था डेसिमल, तो एक प्लेस ही हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 द्वारा देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0 लगा। अब 10⁻⁹ है, देखो पॉइंट यहां था 2.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लियर, और यहां डेसिमल लगा देंगे और उससे पहले 0। यहां 10⁵ है, पॉजिटिव है, तो अब इसको राइट मूव करेंगे, यहां पर था 6, 2, 9, 3, 0.2 था यहां था पॉइंट, तो 1, 2, 3, 4, 5 10⁻⁶1, 9, 2, 5 पॉइंट यहां पर था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट। तो ये है यूजुअल फॉर्म, इस तरीके से आप यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको बेटा जो क्लासेस लगेंगी तो एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम ये ऐसा होता क्यों है, ये तो रूल है ना इसको करने का, लेकिन आप उसको डेप्थ में जाके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके लिए टाइम चाहिए, फिर हम जब क्लासेस लगेंगी तो फेस टू फेस आपको समझाएंगे कि ऐसा हम करते क्यों है, क्यों ऐसा 0 लगाते हैं,
कि उसके प्राइस के लिए बहुत टाइम लगेगा समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अब ये आपने इसको कंप्लीट करना है सारे क्वेश्चंस, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।